अरे बाबू जी उतारो ना नाली साफ कर दो मान फोन मैं दी पुलिस थाना रामसर के पसरा क्षेत्र में जोगाराम सुतार की जो कल छत पर सोई की हत्या कर दी गई थी, आज कल मैं स्वयं मौके पर गया था। आज पुलिस द्वारा एक तो विधि विरुद्ध बालक है उसको निरुद्ध किया गया, एक उसकी जो मृतक है उसकी काकी है श्रीमती मंजू वाइफ ऑफ सुरेश उसको गिरफ्तार किया गया। मर्डर करने के पीछे दोनों का पहले जोगाराम था और वो जो कहा कि उसके भी पहले अवैध संबंध बता रहे थे या जो विधि विरुद्ध बालक है उसके थे अवैध संबंध की बात जानकारी में आई है। और इस तरह के जो वीडियो दोनों के कहीं हाथ लग गए थे उन पे कोई वो दबाव मृतक इस तरह का कोई बनाना चाह रहा था भाई संबंध के द्वारा, इस वजह से इसने जो विधि विरुद्ध बालक है और जो उसकी काकी है दोनों ने मिलकर सोते हुए इसकी हत्या की। मैं जो एक अपना जो घर का खेत में जो चक्कू और जो कुल्हाड़ी होती है वो यूज की गई जो उसके घर से ही जो महिला है वो उसके चाची है वो क्या एज में रहे क्या उसके बच्चे बच्चे भी? हाँ हाँ बिल्कुल परिवार है, चाची है बड़ी है बच्चे से है विधि विरुद्ध बिल्कुल बालक है 15-16 साल का है और इनके संबंध की वजह से जो अभी संबंधी हत्या का कारण लगातार इस प्रकार के मामले बाड़मेर में सामने आ रहे हैं देख रहे हैं, ऐसे में क्या आमजन से अपील है? आमजन से मैं करूंगी इस तरह जो अभी संबंध का कई काम आए हुआ जो इसके पीछे जो हत्या हो रही है और सबसे बड़ा एक इस तरह का और भी अवैध संबंध पीछे की जो अवैध संबंध बनाते उसको वीडियो या अपने जो मोबाइल में जो उसको करते हैं वो कहीं ना कहीं आउट होकर इसके पीछे कारण है। मेरा भी आम जन से ये है कि इस तरह की कोई हरकत नहीं करे जो हत्या का कारण बने और जो मोबाइल उबाइल इस तरह की गतिविधि है बनाने के से दूर रहे। सर इसमें दो ही आरोपी है या और भी कोई? नहीं नहीं इसी में दो ही आरोपी है दोनों को दस्तयाब कर लिया। लड़का जो मृतक है बाहर कहीं काम करता है कब वापस है? हाँ ये पूना में लकड़ी का काम करता है उसका भाई, जो परिवार 3-4 है वो सभी पूना में लकड़ी का काम करते हैं और ये 10-15 दिन पहले ही आया है जो अपना सोम का मकान बना रहा है।